हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। केमिस्ट्री क्लास 11th में फर्स्ट जो यूनिट है उसमें लगभग हम एंड पर आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमने मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें, डेफिनेशन हमने देख ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको लिखने के रूल्स क्या हैं राइट करने के, और इस के क्या एडवांटेज देख लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग की, कि आपको जो केमिकल इक्वेशन दी गई है उसको आप किस स्टेप से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये बहुत सारी मैंने इक्वेशन आपके लिए लिख दी है, जैसे यहाँ पर N2 दे दिया है और यहाँ पर आपको दिया है H2, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है NH3, और आपको कहा गया है इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। स्टूडेंट्स, बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में हैं उतने के उतने नंबर ऑफ एटम्स हमको कहाँ मिलने चाहिए, राइट साइड, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहली इक्वेशन आपको दी है कि N2 प्लस H2 रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है NH3, तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाए। तो देखिए, मनगढ़ंत बैलेंस ना करें कि मन में जो आया वो लिख दिया और वो करेक्ट हो गया, ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसका मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि आपके दिमाग में क्या सोच चल रही होगी। बेहतरीन सोच चलती है हमारे दिमाग में। देखिए, जैसे इसका मैं आपको बताऊँ, हो सकता है आप इस टाइप से बैलेंस कर दें, ये ले लिया, ठीक है। जैसे आपने किया, बड़ी खुशी होगी आपको, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ये N सिंगल चाहिए, सिंगल ले लिया। हाइड्रोजन 3 चाहिए, 3 ले लिया, और NH3 हमने बना दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है, इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक है। जैसे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ, हो सकता है आप इसका बैलेंस इस टाइप से कर दें, ये, और आपके मन में बड़ी खुशी होगी आपको कि मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये तर्क रहेगा आपका। तो ये जो तर्क अगर आप ऐसा लगाते हैं, ये तर्क आपका गलत है। इक्वेशन बैलेंसिंग का सीधा सा मतलब होता है, डियर स्टूडेंट्स, कि जो भी हमको चेंज करना है वो चेंज केवल हम यहाँ आगे कर सकते हैं, फ्रंट पर, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, फ्रंट पर, यहाँ यहाँ और यहाँ फ्रंट पर। बेस में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखें। जितने एटम बेस में दिए उतने ही रहेंगे, उनको हम किसी भी कंडीशन में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो हमने किया है, ठीक है, ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, ये क्या है, गलत है। ये सिस्टम भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमने बेस में छेड़खानी कर दी थी। हमको जो चेंज करना है वो हम आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर और यहाँ कितना है, 1 ही दिया है, मतलब एक नाइट्रोजन कम है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी स्पेशल रिएक्शन होती है, हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2, ये हो गया। ये हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, इसके यहाँ पर भी आगे कुछ कर सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर 2 यूज़ किया तो N2 नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, मतलब ये तो सही है, ये क्या है, सही है, नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा बेस में, हमेशा आप ध्यान रखिए, 2 3 का कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन 6 हैं लेकिन यहाँ पर कितने हैं, केवल 2 हैं, तो इसको भी 6 लाना है। तो इसको 6 लाने के लिए हम यहाँ 6 नहीं कर सकते, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 3 3 2 का क्या हो जाएगा, 6। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, आगे समझ में, डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। अब हम और अगले इक्वेशन की, जिसे ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। अब प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, हाइड्रोजन कर रहा है, उधर 3 हैं और इधर कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले ये हम शुरुआत करेंगे, मान लीजिए कि इसको हमने 2 ले लिया, पूरा बैलेंसिंग करना है, 2 NaOH, इसका मतलब सोडियम भी कितने लेंगे हम,
दो लेते हैं तो इसके आगे हमने दो लगा दिया, 2Na हो गया। तो जैसे 2Na हुआ वो भी अपने आप दो हो जाएगा, हाइड्रोजन भी दो हो गए, ठीक है। अब सोडियम तो दो है, यहाँ पर भी दो हैं, हाइड्रोजन दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, चार, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो आ गए। तो ऑक्सीजन को दो लाने के लिए हमको यहाँ पर इसके आगे भी कितना लगाना पड़ेगा, दो। तो ये 2 ऑक्सीजन भी हो गए, और हाइड्रोजन टोटल 2 से कितने हो गए, 4, 4 हो गए। चार में से दो हाइड्रोजन ये रहे और दो यहाँ पर ये रहे आपके पास। ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली बात हम करते हैं, अगली बात हम इसके साथ करेंगे। देखिए CU और H2SO4, तो CU भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, SO4 यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, लेकिन अब गड़बड़ी आ रही है ऑक्सीजन एटम की और सल्फर एटम की, क्योंकि सल्फर यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सल्फर दो बार है, एक SO4 के साथ है और एक यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं आपके पास में, चार है, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर टोटल 4, 5, 6 और कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो देखो इसको करेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले ट्राई यहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि सल्फर भी दो आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंसिंग के लिए, इसके आगे क्या लगा देंगे, दो। तो देखिए, और ये CU, क्योंकि ये तो सिंगल ही हमारे पास में, तो ये तो बन गया हमारे पास में CuSO4+। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास में चार हैं, सल्फर दो हैं, तो सल्फर तो खैर दो आ गए हमारे पास में। अब हाइड्रोजन चार है हमारे पास में, तो चार में से चारों हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हो गए, चार और दो छः, 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर 4 2 8 ऑक्सीजन है, दो और बच रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस टाइप से इसको लिखेंगे ये। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार, और ऑक्सीजन दो हो जाएंगे, ये टोटल 8 ऑक्सीजन हमारे पास में आ गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो आप डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंसिंग का तरीका है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, और जो भी हम नंबर घटाएंगे बढ़ाएंगे फ्रंट पे ही करेंगे, उसके बेस में कोई चेंज हम नहीं कर सकते, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। अगले इक्वेशन को हम देखते हैं, देखिए Cl2+NaOH, NaCl, NaOCl2, Cl दो हैं उधर, तो हमारे पास यहाँ भी दो Cl आ गए, देखिए आ गए हमारे पास में, लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर है सोडियम की बात करें तो सोडियम यहाँ पर उधर के साइड दो आ चुके हैं हमारे पास। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी कितने आ गए हमारे पास में, दो आ गए हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, दो हैं, सोडियम भी दो हैं, हाइड्रोजन भी दो हैं, ऑक्सीजन भी दो हैं, क्लोरीन दो है तो वो पहले से, लेकिन ये एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा काम करेंगे, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, टू। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, NaCl NaOCl प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी अब बात करते हैं, ये KCLO3 है, रिएक्शन के बाद कभी देखा जाए तो ये बना है KCl और प्लस में O2 बना है, ठीक है, इसको कैसे बैलेंस करें। KCl है इधर भी है, ऑक्सीजन इधर तीन है, उधर कितने हैं, दो हैं, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वहाँ 2 यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 2 यूज़ करते हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन यहाँ पर 3 है, फिर मान लीजिए हम यहाँ पर कितना यूज़ करते हैं, 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 2 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, तो इधर भी 6 करने के लिए आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2, ये देखिए 2 3 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, और जो KCl कितने हमारे पास में, 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को आपको देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, Fe H2, इधर बना Fe3O4+H2। देखिए अब इसी चीज़ में यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, कहाँ पर, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3 हैं, तो सबसे पहला पुण्य का काम तो हम करेंगे कि इसके आगे क्या लगा देंगे, 3, तो इधर भी क्या गया, Fe3, चलिए इसका हिसाब तो क्या हो गया, बराबर,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन यहाँ है कि यहाँ कितने हैं, चार। इसका मतलब इसके आगे क्या ट्राई करके देखेंगे हम, चार लगा कर देखेंगे। फोर लगाए हमने तो Fe3O4 ये आ गया है प्लस। अब बचे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फोर टू जो कितने हो गए, एट। यहाँ पर कितने हैं, टू हैं, तो इसको हम इस टाइप से कर देंगे। ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंसिंग पूरा हुआ यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। दोनों तरफ पहले देखेंगे आप कि कहाँ पर एटम बढ़ाना है, कहाँ पर घटाना है, उस हिसाब से आपको कार्य करना है। और बार बार समझना, जो भी चेंज करेंगे फ्रंट पर करेंगे, बेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये अगला दिया है, देखिए KNO3 दिया आपको, KNO2 प्लस O2। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल चार। के भी एक है, एन भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन चार है, ठीक है। अब उसको बैलेंस करना है आपको, तो कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि इधर तीन ही हमारे पास। तो इधर बढ़ाने के लिए पहले इसके आगे हम दो लगाकर ट्राई करते हैं, 2KNO3। तो ये हो गया 3 2 कितना हो गया, 6। तो के भी दो है, एन भी दो है, तो ये 2KNO2। ये देखिए 2 2 कितना हो गया, 4। और प्लस में आप कितने और बच्चे हैं, 2। देखिए ये हो गया बैलेंसिंग, क्लियर है ना। ये बैलेंसिंग हो गया, बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है। दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम को हमको काउंट करना है, इजीली आपका काम हो जाएगा। अब आगे वाली क्वेश्चन को देखिए, P+O2 इधर बना P2O5, ठीक है। अब मान लीजिए P2 है, तो यहाँ पर भी हम अगर 2 करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 लगाकर शुरुआत करते हैं, तो चलिए P तो 2 हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है हमारे पास में, ऑक्सीजन। तो मान लीजिए हम अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो 2 2 4 और 5 2 कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमको एटम चाहिए। तो अगर ये अब बैलेंसिंग हो गया, देख लीजिए 2 2 4, तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये तो 4 हो जाएगा प्लस, इसको 10 करने के लिए क्या हो जाएगा, 5 O2। ये इस टाइप से होगा बैलेंस, देख लीजिए सिंपल है। हो सकता है किसी को बेहतरीन समझ में आ रहा हो, किसी को मीडियम आ रहा हो, किसी को नहीं भी आ रहा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मूवी देख रहे होंगे, ठीक है, कि फन आ रहा है या कुछ बोरिंग पोर्शन आ रहा है, इस टाइप से लग रहा होगा आपको। बाकी जिनको समझ में आ रहा है उनको बहुत बेहतरीन आ रहा होगा। PbNO2 NO3 टू टाइम है यहाँ पर, और ये आपको दिया है PbO NO2 और O2। 3 2 6 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है 5, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का एक सीधा सा फंडा है कि जो चीज़ ज़्यादा समस्या खड़ी करे, जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे, उसको पहले ठिकाने लगा दो, बाकी सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करे, सबसे पहले उसको ठिकाने लगाने का आप काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए 2 PbNO3 2। 3 2 कितना हो गया, 6, और 6 2 12, 12 ऑक्सीजन एटम है। अब देखिए Pb2 है, तो यहाँ पर भी आगे क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 PbO, और नाइट्रोजन 2 2 4, ये 4 है नाइट्रोजन टोटल यहाँ पर, ठीक है, 4 नाइट्रोजन है। किसी को अगर ऐसा समझ में नहीं आता, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये इस टाइप से Pb ये कितने हैं, 2 हैं, ये NO3 और ये भी क्या है, NO3। तो 2 नाइट्रोजन ये और 2 ये, कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन 3 2 6 और 3 2 6, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो 2 Pb आ गए, लेकिन नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, NO2 प्लस। अब देखिए 12 ऑक्सीजन एटम थे, 12 में से हमारे पास में यहाँ पर कितने आ गए हैं, 8। 4 2 8 और 2, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा हमारे पास, O2। कितना बचेगा हमारे पास में, O2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए C2H2+O2, उधर आ जाएगा CO2+H2। मतलब यहाँ पर गड़बड़ी एक तो कार्बन एटम की है, उसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन एटम की है। अगर मान लीजिए हम कार्बन को 2 करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमने लगाया 2 CO2,
प्लस एच टू होगा। तो देखिए गड़बड़ी कौन कर देगा फिर हमारे पास में ऑक्सीजन कर देगा, उधर पाँच हो जाएंगे इधर दो ही हमारे पास, ठीक है। इधर पाँच जब हो गए तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फाइव ओ टू। ये जब आपने फाइव ओ टू लगा दिया है, ठीक है, तो टोटल आपके पास में जो ऑक्सीजन है वो हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे 10। अब उस 10 को आपको बैलेंस करना है, उस 10 को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो किस स्टेप से हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो इसको कभी हमारे पास में देखा जाए तो इसको कभी हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2C2H4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में आ जाएगा 4CO2, ठीक है। तो ये 4 2 8 हो गया हमारे पास में। अब हाइड्रोजन भी हमारे पास में 4 बचे हैं, तो हाइड्रोजन जब 4 बचे हैं तो इसके आगे क्या आ जाएगा, 2 2 2 4। अब देखिए बैलेंस हो गया ये, कि क्या हो गया है बैलेंस। टोटल कार्बन 4 है, वहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन है 10, तो 4 2 8 और 2 1 2, ये 10। इस टाइप से बैलेंस हो गई। अगले इक्वेशन देखिए, FeCl3+H2S रिएक्शन के बाद में बनेगा FeCl2+HCl+S। आप कभी देखा जाए Cl यहाँ 3 है, उधर भी 3 है, F सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, सल्फर वहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस हमको करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन को देखिए अगर बैलेंस करते हैं, तो ये 2 अगर हम लेते हैं तो ये तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन फिर 4 हुए हमारे पास, क्योंकि 2 यहाँ पर रहेंगे, 2 यहाँ पर रहेंगे, 4 क्लोरीन हो जाएंगे, और हमारे पास कितने हैं 3 हैं। तो हम 2 लगाकर यहाँ ट्राई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 2FeCl2। 2 आयरन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 क्लोरीन एटम है, 6 में से 4 क्लोरीन एटम यहाँ है, 2 क्लोरीन एटम यहाँ है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं 2 है, और सल्फर 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है 1 सल्फर है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगली और इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, कि इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए Cu+HNO3, तब हमारे पास में ये है CuNO3 2NOH2। N हमारे पास में टोटल यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, 3 N है हमारे पास, और ऑक्सीजन 6 7 और 8, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास में 8। तो 8 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कितना लगा कर ट्राई करेंगे, 8। ठीक है, अब 8 अगर ये आते हैं, देखते हैं अब हम क्या चेंज कर सकते हैं, 24 ऑक्सीजन एटम हो चुके हैं, और नाइट्रोजन हमारे पास में 8 है, 8 में से हमारे पास में 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, हमको टोटल 8 नाइट्रोजन चाहिए और 24 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बैलेंसिंग करके देख लेते हैं कि कौन कितना अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि इसमें 2 या 3 का यूज़ करके देखते हैं हम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 2 का भी यूज़ करते हैं तो 2 2 4 और 4 3 12 ऑक्सीजन होंगे, और हमारे पास यहाँ 24 है, 12 ही होंगे, यहाँ पर कॉपर 2 होंगे, नाइट्रोजन 2 होंगे, 2 और 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास 8 नाइट्रोजन है, तो 2 2 4 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, लेकिन फिर 4 बचेंगे हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है हम शायद यहाँ पर 3 का यूज़ करते हैं, कॉपर को 3 ट्राई करके देखते हैं, अगर हम ये 3 लेते हैं तो
ये 3Cu, तीन कॉपर आ गए, और हमारे पास में यह आ जाएगा NO3 2, ये 3 2 6, और 6 3 18 ऑक्सीजन आ गए, और तीन हमारे पास में 3 2 6 नाइट्रोजन एटम बचे हैं, हमारे पास में दो नाइट्रोजन एटम ये रहे, और प्लस अब H2O कितने आएंगे हमारे पास में, देखिए 8 हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पर है, और 24 में से टोटल हमारे पास में देखिए 3 2 6 और 6 3 18 और ये 220 4 ऑक्सीजन एटम और बचे हैं, तो 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 4 2 8 हाइड्रोजन भी बचे हैं। ये इस टाइप से इक्वेशन बैलेंस है आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, और भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ ऐसी भी है कि जिनके यहाँ पर केमिकल नेम दिए रहेंगे, ये कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेकिन ये तब की बात है जब आपको इनके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, आपको इनके फॉर्मूले बनाते आएंगे, ये तब की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो हमारा इक्वेशन बैलेंस का टॉपिक जो था, वो कायदे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है, जब चाहे जब उसके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ग्रहण करें ज्ञान उतना कम है हमारे लिए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में जितना आपको मैंने समझाया है वो था इक्वेशन बैलेंस, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, किस टाइप से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये इक्वेशन में ज़्यादा होते हैं, इनको किस टाइप से मैनेज करना है, और एटम जो है वो कहाँ पर ऐड करना है, केवल फ्रंट पर ऐड करना है, जहाँ भी है नंबर ऑफ एटम आप फ्रंट पर बढ़ा सकते हैं, बाकी हमको कहीं से कहीं तक किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। दोनों तरफ काउंटिंग करेंगे, जब दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए उस इक्वेशन को बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सी इक्वेशन आपको दे दी मैंने आपको, और इसको मैंने कहा कि आप बैलेंस कीजिए, तो देखा जाए तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये बैलेंसिंग इक्वेशन, कैल्शियम एक है यहाँ पर भी एक है, कार्बन एक है यहाँ पर भी कार्बन एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर भी 2 और 1 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब जनरली ये केमिकल इक्वेशन पूरी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टेप से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करें, बेहतर तरीके से करें और बेहतरीन करें। ठीक है, तो इस स्टेप से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप अगले जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब वो फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करें, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, उन फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि अगली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो फार्मूला बेस्ड रहेगी, और उनके जो न्यूमेरिकल रहेंगे, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ही आपको न्यूमेरिकल आएंगे, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए उनके फॉर्मूले याद कीजिए, और उनका मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास की हेल्प से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल भी बहुत इजी लगेंगे। तो अगली तैयारी के लिए और अगले लेक्चर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।